हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए, शाम का टाइम हो रहा है, अभी शाम को 5 बज रहे हैं और यहाँ देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। तो ये देखिए, और अब मेरा लड़का आया है खेल करके, तो उसने बना ली है अपने लिए मैगी। ये देखिए उसकी मैगी बन रही है, वो आज खुद से बना रहा है, पर वो अकेला नहीं है, आप भी लोग मत कहना, क्योंकि उसकी दीदी उसके साथ है। ये देखिए, ये बना रहा है उसकी मैगी, मैगी उसकी बन गई है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी शाम के 6 बजे हैं और ये देखिए अभी भी मौसम कितना अच्छा हो रहा है, क्योंकि शाम को हल्की हल्की बारिश हुई है ना, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा। तो इसीलिए देखिए हम थोड़ा बाहर घूमे छत पर, ये हमारी छत है, ये देख लीजिए, है ना। और ये देखिए, इट्स माय फेवरेट प्लांट, है ना, कितने प्यारे प्यारे फूल गए ना। और ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये देखिए, है ना, कितने प्यारे फूल हैं। तो चलिए, अभी अब बहुत घूम लिए, अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो अब चलते हैं हम शाम का खाना बनाने। तो देखिए आज मैं बना रही हूँ भिंडी की रसदार सब्जी। तो जिसके लिए नॉर्मली मैंने लहसुन सरसों का पेस्ट लिया है और थोड़ा सा वही नॉर्मली मसाले घर के जो होते हैं, धनिया मिर्च हल्दी, बाकी और कुछ भी नहीं डाला इसमें। और अब ये कढ़ाई को मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है, इतने गैस पे कढ़ाई गर्म हो रही है, तो इतने मैंने सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं कढ़ाई में थोड़ा ही तेल डालूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ ना भिंडी को ही फ्राई करना है कलर चेंज होने तक। तो ये देखिए कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है और अब मैंने इसमें भिंडी डाल दी है। अब इसको मैं चलाते हुए अच्छे से थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगी। आप चाहें तो उसको ढककर भी फ्राई कर सकते हैं, मैं भी थोड़ा थोड़ा ढककर ही फ्राई करती हूँ। ये देखिए मैंने ढक दिया है और एक बार इसको पलट दिया अच्छे से, और ये देखिए कलर चेंज हो गया ना इसका, कितना अच्छा कलर निकल के आया है। और अब मैं इसको निकाल के, कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है सब्जी फ्राई करने के लिए, और इसमें मैंने डाला है सिर्फ हींग और जीरा और राई का तड़का लगाया है। और अब मैंने इसमें मसाला डाल दिया है, इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी। और ये देखिए मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। नमक स्वाद अनुसार डालिएगा, आप कम ये थे जैसा का तो खाते हो। अब इसको एक बार से और जला लूँगी मैं। ये देखिए अच्छे से मसाला मेरा भुन जाएगा, और अब मैं इनमें सारी भिंडियों को डाल दूँगी और एक बार फिर से इसको पलटते हुए अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि मसाले की सारी कोटिंग इसके ऊपर चढ़ जाए। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि रेशेदार सब्जी है तो थोड़ा सा पानी तो रखना ही पड़ेगा ना। ये देखिए बस एक बॉयल तक आने तक पकाना है, और इसमें गरम मसाला डाल देंगे और हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने इसको अपने कटोरे में निकाल लिया है, और ये देखिए, और अब मैं रोटियों के लिए आटा लगा लेती हूँ। ये देखिए इसके आटा लगा रही हूँ, बस ये आटा मेरा लग गया है रोटियों के लिए। और अब मैं जो बर्तन खाली किए थे, सब्जी वब्जी वगैरह बनाई थी, तो उन्हीं के दो चार बर्तन थे, उनको मैंने साफ़ कर लिया है। और अब मैं रोटी सेक लेती हूँ, ये देखिए पलटते हुए रोटियों को सेकना है, और अब ये रोटी मेरी बन जाएगी फटाफट। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, रोटी मेरी फूल गई है ना, इतनी अच्छी लगती है फूली फूली रोटियाँ, सबको ही अच्छी लगती हैं। और ये देखिए मेरी रोटियाँ, उसमें रोटियाँ बना रही हूँ, यहाँ अपने बच्चे को भी डांट रही हूँ, क्योंकि वो पढ़ने नहीं बैठा था, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा बहुत डांटा है, क्योंकि सारा दिन खेलता है और फिर पढ़ता नहीं है ना, इसीलिए। ये देखिए रोटी मेरी सारी बन चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा खाना बनकर तैयार है। तो ये देखिए आज का मेरा खाना ये है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज का ब्लॉग यहीं तक का था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले ब्लॉग के साथ। बाय बाय।